नमस्ते एंड वेलकम टू सुमधुर भगवद्गीता वचनामृतम ए वर्ड टू वर्ड एंड लाइन टू लाइन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सुमधुर भगवद्गीता वर्सेस बाय डॉक्टर स्मेल बेल वर्पल इंडिया इन एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड अ बेटर वे ऑफ लाइफ। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द 12th चैप्टर थर्ड एंड फोर्थ श्लोकस विच इन्वोकेट लाइक दिस एज ए पार्ट ऑफ डुओ। सो द 12th चैप्टर इज भगवत प्राप्ति। ये त्वक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते पर्युपासते सर्वत्र गम अचिन्त्यम चकूटमचलम ध्रुवम चकूटमचलम ध्रुवम संनियम्येन्द्रियग्रामम संनियम्येन्द्रियग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः संनियम्येन्द्रियग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। मीन्स टू से दैट ये हूएवर इट इज एवरैते जो भी तू बट लेकिन कानी अक्षरम द वन इज विच इज बियॉन्ड द सेंसेस इंद्रियातीतमहु जो इंद्रियों से दूर अतीत हो जाती है वह अनिर्देश्यम द वन विच कैनॉट बी डिस्क्राइब्ड अनडिस्क्राइबेबल अनिर्वचनीयमैनटुवंटिदि जो अनिर्वचनीय रूप है वह अव्यक्तम द वन विच कैनॉट बी सीन अव्यक्त स्वरूपमु जो अव्यक्त रूप है वह पर्युपासते द वन विच इज बीइंग फॉलोड उपासना चेसेदर जो उपासन करेंगे सर्वत्रगम द वन विच इज प्रेजेंट ऑल ओवर ओमनी प्रेजेंट सर्वव्यापकमु जो सर्वव्याप्त है वह अचिंच्यम द वन विच कैनॉट बी इमेजिन ऊहातीतमैनटुवंटिदि जो ऊहातीत रूप है वह कूटस्थम द वन विच डजंट चेंज मच मार्पु लेदि जो इधर से उधर तक नहीं जा सकती जिसमें कुछ भी चलन नहीं है कूटस्थम जो बदलती नहीं है जो वही रहती है जो वैसे ही रहती है अचलम द वन विच इज स्टेबल निश्चल रूप से जो कुछ भी है निश्चलम अनेदि ध्रुवम द वन विच इज वंस अगेन स्टेबल लाइक ए पोल ध्रुवम ध्रुवम लांटिदि जो ध्रुव जैसा है वह सन्नियम्य जिसको निग्रह कर सकते हैं निग्रहम चेसुकुनेटुवंटिदि दट वन विच कैन बी कंट्रोल्ड इंद्रिय ग्रामम ऑफ ऑल द सेंसेस सर्वेन्द्रियमुनु सर्वेन्द्रिय को यो इंद्रियों को सर्वत्र ऑल प्लेसेस अन्नी चोटल सब जगहों में समबुद्धयः हैविंग द स्टेबल माइंड सेट एंड स्टेबल थॉट प्रोसेस समबुद्धि कलिगी स्थिर बुद्धि रख के ते दोस पीपल वारु उन लोगों प्राप्नुवन्ति विल बी अचीविंग इट हासिल करेंगे पोंदेदरु माम माई सेल्फ मुझे नन्नु एव निश्चित रूप से बिल्कुल डेफिनेटली सर्वभूत हिते अबउट द बेटरमेंट ऑफ ऑल द लिविंग क्रीचर्स सर्वभूतम ओक हितम कोरतू सर्व जीवराशियों के हित मानते हुए या सीखते हुए या होने के लिए पूजा करते हुए रताह दोज हु आर डेजिग्नेटेड नियुक्त रहने वाले व्यक्ति लोग जो नियुक्त हैं वहाँ इट मीन्स टू से दैट द वन विच इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द सेंसेस द वन विच इज स्प्रेड ऑल ओवर द वन विच इज सपोज टू बी द इनफाइनाइट द वन विच डजंट चेंज मच द वन विच इज स्टेबल द वन विच इज सपोज टू बी हैविंग अ थॉट प्रोसेस विच इज अ गुड वन एंड दैट पर्टिकुलर तत्व दैट इज द फिलोसफी दैट इज ऑलवेज द विच इज बेटर द वन विच हैज गॉट अ लॉट ऑफ कंट्रोल ऑन वन सेल्फ All these are the characters that will help us in the getting the abode of the Almighty, or is the final moksha, which is supposed to be the best part for any living creature. ఈ యొక్క శ్లోకంలో ఎవరైతే ఆ యొక్క మోక్ష మార్గాన్ని పొందుదరని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఈ విధంగా తెలియజేస్తున్నారు ఇంద్రియాతీతము సర్వవ్యాపకము అచింత్యము మార్పు రహితము స్థిరతత్వము అచలము అగు వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో పరతత్వపు నిరాకార భావనను సర్వేంద్రియ నిగ్రహం మరియు సర్వుల ఎడల సమభావము కలిగి పరిపూర్ణంగా ఉపాసించు సర్వభూతహితులైన వారు అంత్యమున నన్నే పొందుతారని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఈ విధంగా ఈ శ్లోకం ద్వారా తెలియజేస్తున్నారు జో ఇంద్రియాతీతి హే జో సర్వవ్యాప హే జో అతించి హే జో జో అటల్ హే జో స్థిర రూప్సే హే జో అచల్ హే ఐసా వ్యక్తిత్వ జో కుచ్ భీ హే జో పరతత్వ నిరాకార భావనాకు अपने मन में लगाता है और सर्वेंद्रियों को अपने हाथों में रखता है उसको निग्रह कर सकता है और सबके और सबके ऊपर एक ही तरह के एक जो कुछ भी उन्हों सोच एक अच्छे सोच लगा सकते हैं अच्छे सोच मन में तैयार कर सकते हैं
जो वैसे लोगों को सर्वभूत हित माने जाते हैं और अंत में उन लोग मोक्ष प्राप्त करते हैं। यही दिस इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द डिसिप्लिन दैट हैज टू बी देयर इन एनीबडीज लाइफ। लाइक दिस विल मेक नो वन इज हार्म्ड एनीवे। These principles help us in getting up in life. How do you extrapolate this one? So the best of the results come into our life with the best of the hard work and best of the rules that we follow in the life. So that is what is more important. Moksha is a philosophical term that is used as far as this beliefs of the traditions of the religions are concerned. But that particular thing makes us live with discipline, straightforward and a proper channelized manner in life. That is what is trying to be right. That is what is being explained in this particular sloka. Thank you very much for watching Sumadhura Bhagavad Gita Vachanamrita.